दो अक्षर का प्यारा नाम राम राम राम। हनुमान जी को जो सबसे प्रिय है वो है राम, और राम जी को जो सबसे प्रिय है वो है हनुमान। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो सब लोग घबरा गए, अब क्या होगा। जल्दी से वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी की मूर्छा का उपाय है। संजीवनी बूटी कौन लेके आएगा, कहां से आएगी, द्रोणगिरी पर्वत पर है संजीवनी बूटी। अब सब लोगों में यही प्रश्न कि कौन लेके आएगा। सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज होने से पहले संजीवनी बूटी चाहिए, लक्ष्मण जी को देनी है, तभी लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आ पाएंगे। ऐसे समय में जब सब लोग प्रश्न कर रहे थे कि कौन लेके आएगा, एक दूसरे की तरफ सब लोग देख रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा मैं लेके आऊंगा संजीवनी बूटी, और वहां से चल दिए द्रोणगिरी पर्वत की ओर। पर्वत पर जाकर पहुंचे तो देखा कि पर्वत तो बूटियों से भरा हुआ है, कहां समय व्यर्थ किया जाए संजीवनी बूटी ढूंढने में। तो पूरा पर्वत ही उठा लिया और उठाकर पर्वत ले आए श्री राम जी के पास, श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया पूरा पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत पूरा ही समर्पित कर दिया। तब वैद्य ने संजीवनी बूटी उठाई, लक्ष्मण जी को दी, और लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। क्या सीखने को मिला? ऐसे तीन सिंह हैं जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी ने स्वयं को, अपने आप को इन तीन सिंह से बहुत दूर रखा, तभी तो राम जी को प्रिय है हनुमान। ऐसे तीन सिंह कौन से हैं? पहला सिंह, कंपेयर नहीं किया कभी भी अपने आप को। बोल सकते थे हनुमान जी आकर कि देखिए मेरी शक्ति का बल, देखिए मेरा बल, देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूं कि पूरा पर्वत ही उठा लाया, आप सब में किसी में भी वो बल नहीं है, किसी में भी वो शक्ति नहीं है, ऐसा कंपेयर कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं किया। हम भी हनुमान जी से ये सीख सकते हैं। पहला सी, सी फॉर कंपेयर। ना आप अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर कीजिए, ना आप अपनी एबिलिटीज को किसी और से कंपेयर कीजिए। हर एक इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, कभी भी कंपेयर मत कीजिए, हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। इसके बाद जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए श्रीलंका की तरफ गए, तब सुग्रीव जी ने एक टीम बनाकर भेजी, एक टोली बनाकर भेजी, जिसमें अंगद जी थे, जामवंत जी थे, नल और नीर भी थे, और महाबली हनुमान थे। उस टीम का मार्गदर्शन करने के लिए उस टीम का लीडर, टीम लीड बना के भेजा अंगद जी को। लेकिन समुद्र के पास पहुंचकर जब आपस में ये चर्चा हुई कि इस समुद्र को पार कौन करेगा, तब पूछा गया, किसी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ उड़कर, इतनी ऊर्जा है मुझ में, लेकिन वापस आने की ऊर्जा नहीं है। जब हनुमान जी को कहा गया कि हनुमान जी आप में तो बहुत शक्तियां हैं, आप में तो बहुत बल है, आप में तो बहुत सिद्धियां हैं, आप तो जा भी सकते हैं उड़ के और वापस भी आ सकते हैं माता सीता का पता लगा कर, आप में बहुत शक्तियां हैं ऐसी, तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, मुझ में बहुत शक्तियां हैं, तो मैं जाऊंगा माता सीता का पता करने। हनुमान जी माता सीता का पता करने गए, लेकिन हनुमान जी ने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। सेकंड सी है क्रिटिसिज्म। कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, ये जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आप क्यों नहीं जा रहे, मुझे क्यों भेज रहे हैं, आपके अंदर क्या वो बल नहीं है, क्या वो शक्ति नहीं है, ऐसा क्रिटिसाइज करना, किसी और को उनकी कमियां दिखाना, उनकी गलतियां दिखाना, कभी ऐसा मत कीजिए। हनुमान जी ने कभी ऐसा नहीं किया, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, और वो आगे बढ़े। और जब वो आगे बढ़े तो समुद्र में उनको मार्ग में, रास्ते में एक राक्षसी मिली, जिसने हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने संयम से, विवेक से उस राक्षसी को मार दिया और आगे बढ़े, माता सीता का पता लगाया, अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका पहुंचने के बाद जब उनको पकड़ लिया गया और हनुमान जी को रावण जी के सामने पेश किया गया, तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। ऐसे निर्देश हुए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। तो पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी को अपॉर्चुनिटी मिली कि कैसे मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसमें वैल्यू कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ। उस पूंछ में लगी आग से उन्होंने पूरी लंका को, सोने की लंका को जला दिया।
इससे हमें सीखने को मिलता है कि वैल्यू भी एड ऑन की जा सकती है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा एड ऑन वैल्यूज कैसे कर सकते हैं, हनुमान जी से सीखने को मिलता है। और जब पूरी लंका को जलाकर हनुमान जी वापिस आए, माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे और राम जी को बताया, माता सीता के बारे में पूरी सूचना दी, पूरी बात बताई, लेकिन कभी भी ये कंप्लेन नहीं की। थर्ड सी है कंप्लेन नहीं करना, सी फॉर कंप्लेन। कंप्लेन कभी नहीं की कि रास्ते में जाते हुए मुझे क्या चैलेंजेस आए, कितनी मुश्किलें आई, मुझे रास्ते में राक्षसी मिली, उसने मुझे खाने की कोशिश की, वहां लंका में जाकर मेरी पूंछ को आग लगा दी गई, मुझे कितना कष्ट हुआ, ऐसी कोई भी कंप्लेन हनुमान जी ने कभी भी नहीं की। तो तीन सी जो हनुमान जी से हमें सीखने को मिलते हैं कि इनसे दूर रहिए। हनुमान जी इन तीन सी से दूर रहे, सी कंपेयर नहीं करना, सी क्रिटिसाइज नहीं करना और सी कंप्लेन नहीं करना। हमें भी हनुमान जी से ये तीन सी सीखने चाहिए। कभी कंप्लेन नहीं कीजिए, कभी क्रिटिसाइज नहीं कीजिए और कभी कंपेयर मत कीजिए। अपनी लाइफ को, अपने जीवन को राम जी का नाम लेकर और हनुमान जी का सिमरन करके आप सुखमय बना सकते हैं। हमेशा खुश रहिए और इन तीन सी से दूर रहिए। थैंक यू सो मच।